तो गाइस पड़ने लगी है चंपावत पे बर्फ। ये देखो मैं टाइम लैप्स लगाता हूँ यहाँ से, अभी स्कूटी में दिख जाएगा आपको वाइट होते हुए। चंपावत में बर्फ। तो गाइस हमारे पास है सस्ते सैलानी जो यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं चंपावत पे। और ये देखो भाई अब इतनी मोटी मोटी बर्फ गिर रही है ना, ये देखो टाइम लैप्स देखो कैसे चल रहा है भाई, क्या बर्फ पड़ रही है। जो रीटेक पे रीटेक ले रहे हैं ये देखिए गाइस बहुत बर्फ पड़ रही है। सो हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय A3। और कैसे हैं आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो खुशी की लहर दौड़ उठी है हमारी उस पे कि बर्फ गिर रही है। बार बार मैं देख रहा था कि बस भाई चंपावत ही बर्फ गिर रही है, तो आज चंपावत कह रहा हूँ नैनीताली बर्फ गिरी, आज चंपावत पे भी बर्फ गिर गई है। ये मैं चंपावत से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ फोटोग्राफी। तो यहाँ से कुछ सीन भाई लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, और ये यहाँ से जो दिख रहा है भाई पूरा सफ़ेद हो चुका है। ये देखो पूरी बर्फ गिर गई, वो भी दिन दिहाड़े। मैं चाह ही रहा था कि ऐसे बर्फ गिर जाए। वैसे पहले बचपन में बाहर आने नहीं दिया जाता था ठंड में, और अब आई जा रहे हैं बड़े हो गए हैं इसलिए। तो मौसम बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है और बर्फ़ गिर रही है, ठंड उतनी नहीं हो रही क्योंकि जब बर्फ़ गिरती है इतना ठंड नहीं होती है। जब ये गिर जाएगी उसके बाद जो है गुर्दे लाल होने वाले हैं, और बहुत ही ख़तरनाक बर्फ़ गिर रही है यार, मज़ा आ जा रहा है बाय गॉड। तो फिलहाल स्कूटी देखो जो मैंने इधर खड़ी करी थी वो भी काली पन्नी पे, तो ये पूरी सफ़ेद हो गई है। तो अभी थ्री के पास भी ले जाता हूँ आप लोग को और दिखाता हूँ भाई क्या अमेजिंग नज़ारा आ रहा है। यहाँ से पेड़ों पर देखो क्या बर्फ़ गिरी है। बाकी टाइम लैप्स भी चल रहे हैं, उसके सिनेमैटिक्स भी मिलेंगे अभी आप। गाइस इधर रही हमारी थ्री जो कि आप देख सकते हो पूरी बर्फ़ से ढक चुकी है। ओ भाई क्या बर्फ़ पड़ी, मज़ा आ गया। ऐसे लाइव कभी मैंने बर्फ़ देखी नहीं थी, देखी थी लेकिन तब जाने नहीं देते थे ऐसे बर्फ़ में। ये देखो ओ भाई 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 मज़ा आ गया। तो ख़तरनाक बर्फ़ गिर रही है और अब तो बहुत मोटी मोटी बर्फ़ गिरने लगी है, क्या ही बताऊँ भाई साहब। लेकिन जो पक्षी हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो जाएगी अभी, क्योंकि बर्फ़ से उनके घोंसले होंसले नष्ट हो जाएंगे, उनकी आवाज़ भी आ रही है चिड़िया की। तो ये है बर्फ़ जो चंपावत पे गिर। बहुत ही शानदार नज़ारा है, और नज़ारा मैं आप लोग को दिखाते रह रहा हूँ और साथ ही साथ खुद को भी दिखाते हुए रह रहा हूँ। तो ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा और जैसे लाइट वाइट आ जाएगी, लाइट तो है ही वैसे, फ़ोन चार्ज करता हूँ एडिट करता हूँ और आपके पास वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। बाकी फिर थ्री पे भी वीडियो आएगा भाई, बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ। तो ब्लॉग हो सकता है थोड़ा छोटा हो लेकिन मज़ेदार होगा, ठीक है। चलो I do it all for you. Every this feeling's overdue. You're uninvited.
तो ये देखो पूरी बर्फ़ कुछ ऐसे गिरी हुई है जो कि मैं बार बार दिखा रहा हूँ, और एडिट करके छोटा सा क्लिप डाला जाएगा और बाकी का वीडियो फिर बनेगा। तो गाइज़ दूसरे फ़ोन पे आ गया हूँ क्योंकि लाइट है नहीं फ़ोन पे, बैटरी है नहीं, तो बहुत जल्दी वीडियो एडिट होगा और आप लोग के सामने आएगा। अगर लाइट आई तो लाइट आई रहेगी तो जल्दी जल्दी अपलोड करा जाएगा। और नेटवर्क स्पीड भी बहुत स्लो आ रही है आज, इंटरनेट स्पीड भी स्लो आ रही है अभी, क्योंकि मैं 28 MB का वो छोटा सा क्लिप अपलोड कर रहा था वो हो नहीं पा रहा है। तो बहुत जल्दी ब्लॉग आएगा, फिर से बर्फ़बारी शुरू हो गई है, दिख रहा होगा कंधों पे गिर रही है। तो ठंड बढ़ गई है, अंधेरा भी होने वाला है, हो ही रहा है अंधेरा भी, और थोड़ा सा बर्फ़ का नज़ारा दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है, और उसके बाद मिलता हूँ। तो ये देखो पूरी बर्फ़ कुछ ऐसे गिरी हुई है जो कि मैं बार बार दिखा रहा हूँ, और एडिट करके छोटा सा क्लिप डाला जाएगा और बाकी का वीडियो फिर बनेगा।